सुप्रीम कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल के मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, ये मामला एक निजी खनन कंपनी की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था, ऐसे में राज्य हमारे सामने अपील में क्यों आया है? क्या ये सब राजनीतिक साजिश है? जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने पंजाब हाई कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 270 को दिखाने के लिए सबूत कहाँ है। कोर्ट ने अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के पंजाब हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें, एक खनन कंपनी द्वारा जून 2021 में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें बादल और शिरोमणि अकाली दल के अन्य सदस्यों द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को धमकाने और अमृतसर में खनन वाली जगहों पर बाधा डालने और हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। राज्यों में आबादी के हिसाब से हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब तक जवाब ना दाखिल करने वाले राज्यों को आखिरी मौका दिया है। बेंच ने कहा कि जिन राज्यों ने पुराने आदेश के अनुसार अब तक केंद्र को जरूरी आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है, वो 6 हफ्ते में आंकड़ा उपलब्ध कराएं, अन्यथा राज्यों को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करने का आदेश दिया। वहीं बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई से 2 हफ्ते पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। पिछले सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अब तक उसे 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जवाब मिल चुका है, जबकि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं। बता दें, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। वर्ष 2001 में एक सेनाधिकारी को बदनाम करने के लिए पूर्व पत्रकारों ने माफीनामा प्रकाशित की बात दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकारी है। तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल और पत्रकार अनिरुद्ध बहल ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करेंगे। तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने कहा कि वे अपने इस माफीनामे में ये स्पष्ट करेंगे कि मेजर जनरल MS आहुवालिया ने रक्षा सौदों में ना तो कोई रिश्वत मांगी और ना ही स्वीकार की। दोनों पत्रकारों ने कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट में 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी जमा कराएंगे। बता दें, साल 2001 में तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेजर जनरल MS आहुवालिया ने रक्षा सौदों में रिश्वत ली थी। इस दौरान स्टिंग ऑपरेशन तहलका.com और एक निजी सैटेलाइट न्यूज चैनल पर प्रसारित किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। इस संबंध में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। बेंच ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि ये कानून शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को उनके पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि बेंच ने संजय कुंडू पर उद्योगपति को धमकाने के आरोप की SIT जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें, हिमाचल हाईकोर्ट ने पिछले महीने कारोबारी निशांत शर्मा पर दबाव डालने की कोशिश करने के आरोपों के बाद संजय कुंडू को DGP पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेटेड रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।